एक छोटे से बच्चे को कहा जा रहा है कि मोहम्मदन है, आपके सारे बच्चे उसको जोर से मारो। ये कौन से भारत में जी रहे हैं? किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है जो कहेगा कि केवल हिंदू रहेंगे, मुसलमान नहीं रहेंगे। आज हमारे बच्चों के अंदर सिस्टमैटिकली नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। एक छोटे से बच्चे के मन में शुरू से ये भर दिया जा रहा है कि तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो। सही शिक्षा देनी चाहिए, वहाँ पे एक सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, वहाँ पे एक विद्यार्थी को अनेक विद्यार्थियों से पिटवाया जाता है। जो सांप्रदायिक नफरत फैलाई जा रही है, जिसका शिकार हमें मुजफ्फरपुर नगर में स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे होते दिखाई पड़ रहे हैं। महिला जो टीचर है वो ये कहते कि मैं अपाहिज थी, इसलिए बच्चों सबसे बड़ी बात तो ये मेंटली प्रेशर है। इसके साथ साथ उनके जो बयान है वो एकदम सांप्रदायिक है। बड़ी बात है कि बच्चों के बीच में जहाँ शिक्षा का विचार होना चाहिए, जहाँ व्यवचार होना चाहिए, जहाँ सही शिक्षा देनी चाहिए, वहाँ पे एक सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, वहाँ पे एक विद्यार्थी को अनेक विद्यार्थियों से पिटवाया जाता है और ये बोला जाता है कि आप महिला जो टीचर है वो ये कहते कि मैं अपाहिज थी, इसलिए बच्चों सबसे बड़ी बात तो ये मेंटली प्रेशर है। इसके साथ साथ उनके जो बयान है वो एकदम सांप्रदायिक है, वो एक धर्म के खिलाफ है। तो हम मांग करते हैं टीचर को बर्खास्त किया जाए और साथ ही साथ सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करे और इस्तीफे की मांग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ उत्तर प्रदेश भवन में लोगों को डिटेन कर लिया गया है। हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, तो आखिर बाकी बच्चों पर इस तरीके का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो क्या सीखेंगे? एक छोटे से बच्चे के मन में शुरू से ही ये भर दिया जा रहा है कि तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो और इसको पीटा जाना चाहिए। आखिर क्या सीखेंगे हम इस लोगों को? तो शिक्षा का मंदिर माना जाता है लेकिन वहाँ हिंदू मुस्लिम सिखाया जा रहा है। इसका यही कारण है हिंदू मुस्लिम सिखाए जाने का, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर हम यही देख रहे हैं, हमारी सरकार यही कर रही है। हम नूह हिंसा देखें, अलग अलग हिंसाएं देखें, क्या हो रहा है वहाँ पे? जो सांप्रदायिक नफरत फैलाई जा रही है, जिसका शिकार हमें मुजफ्फरपुर नगर में स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे होते दिखाई पड़ रहे हैं, उसके खिलाफ हम यहाँ पर अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए मौजूद हुए थे। एक छोटे से बच्चे को कहा जा रहा है कि मोहम्मदन है, आपके सारे बच्चे उसको जोर से मारो। ये कौन से भारत में हम जी रहे हैं? एक समय पर हम बात करते थे कि अंग्रेज हमारे अंदर फूट डाल रहे हैं, आज के समय में हम किसको दोष देंगे? इस नफरत की सांप्रदायिकता की राजनीति का शिकार आज हमारे बच्चों के अंदर सिस्टमैटिकली नफरत के बीज बोए जा रहे हैं और उसी का नतीजा नूह में, उत्तरकाशी में जगह जगह पर हमें दिखाई पड़ता है। इसके खिलाफ हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। भारत में गंगा जमुनी तहजीब का भारत है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान दोनों की सरजमीन है यहाँ पर। यहाँ पर किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है जो कहेगा कि केवल हिंदू रहेंगे, मुसलमान नहीं रहेंगे। यहाँ पर इस तरीके की सांप्रदायिकता की मानसिकता के खिलाफ हम तब तक संघर्ष करेंगे जब तक असमस्य से हजारों लाखों बच्चे इस देश के उनको न्याय नहीं मिल जाता। आज हम देख रहे हैं इसके पीछे जो केंद्र की सरकार है उसकी जो छिछली राजनीति है, नफरत की राजनीति, बंटवारे की राजनीति, अंग्रेजों से ज्यादा खराब नजर की राजनीति, तो आप देख सकते हैं तमाम लोगों को डिटेन करके 20 से 25 लोग स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, उनको तमाम लोगों को एक बस में बिठा करके डिटेन करके लेकर जाया जा रहा है। जिस तरह से ये मुजफ्फरनगर में जो घटना घटी है उसको लेकर एक आह्वान किया गया था कि यहाँ उत्तर प्रदेश भवन जो चाणक्यपुरी में है दिल्ली के, यहाँ पर यूपी भवन में जो है ये प्रोटेस्ट किया जाएगा, लेकिन बहुत ही कम संख्या में जो छात्र पहुँचे, जिसमें छात्र संघ जो है लेफ्ट के उनके ज़रिए ये आह्वान किया गया था। 20 से 25 लोग थे छात्रों छात्राएं जो यहां पर यूपी भवन में पहुंचे थे और प्रोटेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी। जिस तरह से अब जो मामला सामने आ रहा है कि जो एफआईआर जो एनसीआर काटी गई है उनमें जो धाराएं लगाई गई हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है कि इस पूरे मामले में तहरीर जो है वो पुलिस के ज़रिए लिखवाई गई है उसके पिता से, और इस तरह की तहरीर लिखवा करके एनसीआर काटी गई है महज खाना पूर्ति के लिए, जिसमें जो दो धर्मों के दरमियान जो नफरत फैलाई जा रही है उसको लेकर कोई बात नहीं की गई, और जिस तरह की धाराएं उसमें लगी चाहिए
चाहिए थी, संगीन धाराएं लगनी चाहिए थी, उस तरह की धाराएं ना लगा करके सिर्फ NCR काटी गई है, ये भी एक बड़ा सवाल ज़रूर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश भवन पर भारी संख्या में यहाँ पर इस प्रोटेस्ट को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया था और इस पुलिस बल के साथ साथ यहाँ पर बैरिकेड भी लगाया गया था। आप ये देख सकते हैं धारा 144 का भी यहाँ पर नोटिस लगाया गया है कि इस इलाके में धारा 144 CRPC लगी हुई है, इसलिए ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा ना हों। और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर प्रदर्शनकारी पहुँचे तो उनको डिटेन करके तमाम लोगों को बस में बिठा करके थाने लेकर जाया गया है। लेकिन कल से जब ये वीडियो वायरल हुई है उसके बाद से लगातार ये सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर देश में नफरत अपने चरम पर जो पहुंची है उसके पीछे क्या कारण है, कितना इसके लिए गोदी मीडिया जिम्मेदार है, या उसके अलावा जो RSS है, संघ है, BJP है, हिंदूवादी संगठन है, या फिर भारतीय जनता पार्टी है, ये किस तरह से कितना जिम्मेदार हैं। और नफरत का ये माहौल अब पूरा ग्रास लेवल पर, नीचे लेवल पर पहुंच गया है कि एक टीचर जो महज 100 से 125 बच्चे पढ़ा रही होती है उसके जहन में किस तरह का जहर मुसलमानों के मुतालिक भरा हुआ है कि वो छोटे छोटे बच्चे, हिंदू बच्चों से मुस्लिम बच्चे की पिटाई करवाती है। वो तो भला मानिए कि ये वीडियो वायरल हो गया, किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद इसको वायरल कर दिया गया पूरी दुनिया में, जिस तरह से इसको देखा जा रहा है। और भारत जो चांद पर पहुँचा है उसको लेकर तरह तरह की टिप्पणियाँ की जा रही हैं कि आप चांद पर पहुँचने की बात करते हैं लेकिन आपके अंदर सभ्यता नहीं है, आपके अंदर भाईचारा नहीं है, आपके अंदर नफरत भरी हुई है। वो टीचर जिसका कर्तव्य होता था बच्चों को तमाम को एक ही निगाह से देखना, उनके अंदर इंसाफ करना, उनको शिक्षा देना, इंसाफ की उनको शिक्षा देना, बताना क्या मानव कर्तव्य है, वो टीचर खुद इस तरह की हरकत करता है। और ये जब ग्रास लेवल पर नीचे जब पहुंचती हैं सारी चीज़ें तो सवाल यही खड़ा होता है जो 60 साल से मेहनत की जा रही है भारतीय जनता पार्टी, RSS और संघ के ज़रिए, वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है और उसका फल अब निकलना शुरू हो गया है। और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएँ घट रही हैं। लेकिन इस घटना ने तमाम लोगों को झिंझोड़ कर रख दिया है। बच्चे के रोते बिलखते जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो थोड़ा सा भी संवेदनशील होगा वो इस वीडियो को देख करके परेशान हो उठा है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि इस पूरे मामले को लेकर जो प्रदर्शन करना चाहते थे, अपनी आवाज़ उठाना चाहते थे, उत्तर प्रदेश भवन पर पहुँच करके सरकार को चेताना चाहते थे, सरकार को जगाना चाहते थे कि दोषी जो टीचर है उसके खिलाफ सख्त धाराओं में FIR दर्ज किया जाए और उसको सलाखों के पीछे पहुँचाया जाए, उसी को लेकर कुछ छात्रों ने ये एफर्ट की थी लेकिन उसमें पूरी तरह से नाकाम रहे। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। एक छोटे से बच्चे को कहा जा रहा है कि मोहम्मद है और ये सारे बच्चे उसको जोर से मारो, ये कौन से भारत में जी रहे हैं? किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है जो कहेगा कि केवल हिंदू रहेंगे, मुसलमान नहीं रहेंगे। आज हमारे बच्चों के अंदर सिस्टमैटिकली नफरत के बीज बोए जा रहे हैं।